केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है, पेट्रोल और डीजल पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है उस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में उन्होंने कमी की है। उस कमी करने के कारण अब जो आज आपको पेट्रोल का दाम 106 रुपए 53 पैसा इस वक्त 7:30 बजे दिख रहा है, ठीक रात को 12 बजे के बाद यानी कल सुबह यही पेट्रोल आपको 97 रुपए के करीब करीब लीटर पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, डीजल में भी बड़ी राहत है, डीजल का जो दाम इस समय है वो लगभग 90 रुपए के करीब करीब है, डीजल का दाम 90 रुपए 28 पैसा है और डीजल के दाम में भी 7 रुपए के साथ डीजल जो है वो आपको डीजल आपको 83 रुपए के करीब करीब मिलेगा। ये फैसला आज केंद्र सरकार ने लिया और केंद्र सरकार ने इस फैसले के बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 8 रुपया कम की और डीजल पर 6 रुपया कम की। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 6 रुपया डीजल पर कम करने से 7 रुपया लगभग डीजल सस्ता हो जाएगा और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 8 रुपया कम होने से लगभग 9 रुपए 50 पैसे आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा। और ये अधिसूचना इसके लिए अभी क्या कहते हैं फाइनेंस वित्त मंत्रालय से एक अधिसूचना जारी होनी है यानी एक नोटिफिकेशन निकलेगी। उस नोटिफिकेशन के निकलने के बाद ये दाम जो इस वक्त आपको पेट्रोल पंप पर जब आप पहुंच रहे हैं तो रेट आपको 106 रुपए 53 पैसा मिलेगा, ये फिलहाल इतना ही मिलेगा। यानी आप रात को 12 बजे तक पेट्रोल भरवाएंगे तो इसी दाम पे भरवाएंगे, उसके बाद कल सुबह जब आप पेट्रोल पंप पर पहुंचेंगे तो आपको घटे हुए दाम मिलेंगे। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया और पेट्रोल की पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जिसकी मांग लगातार की जा रही थी, आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम करिए ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले, वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अब कम हो गई है। अब राज्य सरकारों को देखना है कि वो कौन से टैक्सेस पेट्रोल के ऊपर कम करके आम जनमानस को और राहत दे सकते हैं। मैं इस वक्त जम्मू के एक पेट्रोल पंप पर हूँ, फिलहाल इस पेट्रोल पंप पर दाम जो है जैसे मैंने आपको कहा कि आपको दाम इस वक्त डीजल का 90 रुपए 28 पैसा मिलेगा, इस पे 7 रुपया कम होगा 83 रुपए 28 पैसा कल से आपको मिलेगा और इस तरीके से पेट्रोल आपको 9 रुपया 50 पैसा उस पर कम होगा, 9 रुपया 50 पैसा आप कम होगा और 9 रुपया 50 पैसा कम होकर पेट्रोल अब आपको पड़ेगा जैसे मैंने आपको कहा कि 9 रुपया 50 पैसा कम होगा तो कल सुबह आपको ये 97 रुपए 3 पैसा पर पेट्रोल मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी खड़े हैं बड़ी केयरफुली ये सारी बात सुन रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं। कुछ आम लोग यहाँ से आ रहे हैं, इनसे थोड़ा सा इनका भी कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की ताकि इनकी राय जान सके पेट्रोल के कम हुए दामों पर। आपने अभी अभी सुना केंद्र सरकार ने पेट्रोल के ऊपर लगभग 9 रुपया पेट्रोल कल से सस्ता हो जाएगा और 7 रुपए के करीब करीब डीजल सस्ता हो जाएगा, कैसे देखते हैं इस राहत को? सर आम लोगों के लिए तो सही रहेगा। तो आप चाहते हैं कि राज्य सरकार को भी कुछ टैक्सेस कम करने चाहिए ताकि और सस्ता पेट्रोल डीजल? ऑब्वियस वो तो करने चाहिए वरना महंगाई लगता है आपको? नहीं ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट है इनके लिए, इलेक्शन पास आएंगे तो ये कर देंगे सस्ता, जब हो जाएगा इनका अपना काम तो फिर बढ़ा देंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि सस्ता ही रहना चाहिए? इनको एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए जो आम सोशल मतलब कि नॉर्मल मीडियम क्लास लोगों के लिए जो सब प्रॉपर वे में चले। यानी अभी आपको भी महसूस हो रहा है कि महंगाई बहुत है? सर महसूस तो होगा, महसूस हो रहा है वो तो, यानी कमाई कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है। नहीं वो तो सही बात है, वो तो सही बात है। आपने सुना कि कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो रही है, हम भी चाहते हैं कि लोगों को राहत मिले, हम भी चाहते हैं लेकिन केंद्र सरकार को करना चाहिए कि पेट्रोल के और डीजल के दाम और कम करने चाहिए ताकि लोगों को और राहत मिले। कुछ और लोग हैं, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम आज कम हुए हैं, पेट्रोल कल से आपको लगभग 9.5 रुपए सस्ता मिलेगा और डीजल लगभग 7.5 रुपए सस्ता मिलेगा, कैसे देखते हैं इस राहत को? इसमें राहत ही मिलेगी एटलीस्ट जो जिनको लाइक ट्रैवल करना होता है उनके लिए तो आसानी और थोड़ा रिलीफ हो जाएगा क्योंकि लाइक आज इतने किलोमीटर्स हम लोगों को पर 100 रुपीज लाइक किलोमीटर लाइक मान लीटर था तो उसमें थोड़ा बहुत राहत तो जरूर मिलेगी। टैंकी आप भरवाएंगे तो थोड़ा सा आपको महसूस होगा कि सस्ती? हाँ एटलीस्ट हम लोग और ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं ना उसमें। इस राहत को आप चाहते हैं कि और राहत इसमें मिले? ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे और कम हो तो एटलीस्ट हम और ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सके। लाइक अब हम गर्मियों में एसी यूज करते हैं तो डबल पेट्रोल यूज होता है उसमें तो उस चीज का भी प्लस पॉइंट हमें मिलेगा उसमें। ठीक है आपने सुन लिया कि इन्होंने कहा कि और ज्यादा राहत मिलनी चाहिए, और ज्यादा पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। कुछ और लोग यहाँ पर हैं, ये फोन पे बिजी हैं तो ये क्या कहते हैं फोन पर बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते हुए हैं, पेट्रोल 9.5 रुपया सस्ता हुआ है,
डीजल 7 रुपया सस्ता हुआ है, आम आदमी चाहता है और सस्ता हो। कुछ स्कूटी वाले यहाँ पर हैं, स्कूटर वाले यहाँ पर हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मार जिनको पड़ती है पेट्रोल और डीजल के महंगा होने की, वो पड़ती है स्कूटी स्कूटर वालों को। तो आइए स्कूटी स्कूटर वालों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मुझे बताएं, आपने सुना कि पेट्रोल कल से 9.5 रुपया सस्ता होगा और डीजल लगभग 7 रुपया सस्ता होगा, कैसे देखते हैं इस राहत? सर ये तो अच्छी बात है, जो डेली यूज वाले, जो डेली काम करने वाले लोग हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। अच्छा, और स्कूटी वालों के लिए तो ज्यादा मुसीबत है जितना महंगा होता है। वो तो है, वो तो है। खुश है इस राहत से? जी वो तो है, वो तो सारे खुश है। पेट्रोल भरवा है तो 97 रुपीज का पड़ेगा आपको। तो आपने सुन लिया कि 97 रुपीज में पेट्रोल लेना चाहते हैं, पेट्रोल सस्ता हो उससे खुश हैं, आम लोगों को राहत मिल रही है। अब देखना यह है कि क्या राज्य सरकार भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम करेगी। यहाँ एक और मुद्दा है, आइए इससे बात करते हैं। बेटा मुझे ये बताना, पेट्रोल के दाम 9.5 रुपए सस्ता हो रहा है, डीजल का 7 रुपए सस्ता मिलेगा, कैसे देखते हैं? सर कुछ नहीं, खुश है। आपने सुन लिया कि हम खुश है कि पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते हो रहे हैं, तो 9.5 रुपए का रिलीफ आम आदमी के लिए और 7 रुपए का डीजल का रिलीफ जो है बहुत बड़ा रिलीफ है। अब सिर्फ देखना यह है कि इस रिलीफ से आम आदमी कितना खुश होता है और साथ में जो बढ़े हुए दाम है एसेंशियल कमोडिटीज के, उनमें कितना फर्क पड़ता है।